हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब ज़्यादा खाने की बीमारी, बुलिमिया। इसमें होता क्या है कि ये बीमारी में बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, बहुत भूख भी लगती है और बहुत खाते भी है, और ये व्यक्तियों को जो भी मतलब दिखा वो खाते रहते हो। कभी कभी तो उनको ऐसा हो जाता है कि पेट बहुत फुला हुआ रहता है, खाने की मतलब बिल्कुल इच्छा भी नहीं है, और तभी भी वो खाएंगे और एकदम डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। और फिर इससे एक तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर कुछ व्यक्ति क्या करेंगे कि उल्टियाँ करेंगे और उल्टियाँ करके निकाल देंगे, या फिर लूज मोशन की गोलियां लेंगे ताकि उनको संडास जो है वो ज़्यादा होके वो निकल जाएगा। एक तो वो मतलब लेटरिन की गोलियां खाएंगे और ज़्यादा लेटरिन होके वो निकल जाएगा करके वो देखते हैं, या फिर उल्टियां करेंगे, उंगली डाल डाल के उल्टियां करके निकाल देंगे। तो कुछ लोग तो फिर वजन बराबर रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा खा रहे हैं तो वो बाहर निकाल के देंगे और बाहर फेंक देंगे जितना खाया उतना। मगर कुछ लोग जो है वो खाते रहेंगे और बाहर निकालेंगे नहीं, ना उल्टियाँ करेंगे ना लेटरिन के बाद माध्यम से बाहर निकालेंगे, वो खाते रहेंगे। और फिर उनको बहुत ज़्यादा वजन, बहुत मोटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा वजन रहता है और वजन दिन ब दिन बढ़ते ही रहता है। ज़्यादा सोते हैं, एक्टिविटी कम, और उनको खाने में बहुत प्यार रहता है, और उनको कुछ भी चलता है खाने में। ऐसा नहीं कि भाई ये होना वो होना, जो चाहिए वो चलता है उनको। तो ज़्यादा वजन बढ़ने से फिर बाकी जो ओवरवेट की बीमारी है, मतलब मोटापन जो है, मोटापा उसकी जो बीमारी है, वो उनको बीमारी ज़्यादा लगती है। जैसा कि डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी, या ब्लड प्रेशर है, वो बीमारियाँ इनको होती रहती है। और बाकी भी ओवरवेट की जो है कि भाई मतलब हलचल नहीं होने से फिर काफ़ी पेट में परेशानी, फिर उंगलियाँ डाल डाल के समझो वो उल्टी कर दी हैं तो अंदर अल्सर्स मुँह में तो वो दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा बहुत जंक फूड खाने से फिर विटामिन का कम होना, विटामिन या बैलेंस डाइट न होने से, फाइबर नहीं होने से फिर लाइक अनबैलेंस्ड वेट, मतलब ज़्यादा वेट और जो फाइबर होना चाहिए या प्रोटीन होना चाहिए वो खाने में नहीं रहेगा, तो उससे फिर तकलीफ। और फिर इसका इलाज जो है वो उनको देखना पड़ता है कि भाई ये खाता क्यों है। एक तो क्या है कि डिप्रेशन की वजह से आदमी खा सकता है ज़्यादा, कि डिप्रेशन है अंडरलाइन और उसकी वजह से वो खाना खाता है, या उसको एंग्जाइटी है, टेंशन की बीमारी है और एंग्जाइटी की वजह से आदमी खाना खा रहा है क्या, तो फिर डिप्रेशन का इलाज करना पड़ेगा या एंग्जाइटी का इलाज करना पड़ेगा। फिर कुछ लोग ऐसे कि ना उनको ना डिप्रेशन है ना एंग्जाइटी है, बस वो खाते ही रहते हैं, तो उनको फिर देखना पड़ेगा कि और कोई बॉडीली बीमारी है क्या, शारीरिक बीमारी उनको है क्या, बदन की बीमारी है क्या कि जिसकी वजह से उनको बहुत भूख लग रही है और खा रहे हो, और नहीं तो फिर उसको सीधा बुलिमिया नर्वोजा नाम की बीमारी है। कि भाई बुलिमिया नर्वोजा है, और ना तो फिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब बिंज ईटिंग है। बिंज ईटिंग मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम वो समय पे बहुत ज़्यादा खा लेंगे, बाद में नहीं खाएंगे, तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो सकती है, जिसमें बिंजेस में मतलब टाइम टाइम पर ज़्यादा खाना खाएंगे। या फिर दूसरी है बुलिमिया नर्वोजा, कि जिसमें वो ज़्यादा खाना खाएंगे और उल्टियाँ करके निकाल भी देंगे। तो बुलिमिया नर्वोजा में वजन ज़्यादा बढ़ता नहीं है, मगर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में वजन बहुत बढ़ जाता है। तो ये दो तरह की बीमारी है, ज़्यादा खाने की, और उसका इलाज साइकोथेरेपी, काउंसलिंग उनके माध्यम से होता है, या फिर कुछ दवाइयाँ भी नई नई निकली है उससे भी उसका इलाज हो सकता है। आपके आजू बाजू में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको ये बुलिमिया नर्वोजा होगा या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी होंगी। तो ऐसे ज़्यादा खाने वाले जो लोग होंगे उनको जरूर वीडियो पास कीजिएगा, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि भाई सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए आपका भी हाथ लगेगा। लोगों को मानसिक बीमारियाँ कम से कम रहेंगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। जरूर शेयर करो आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।